कहानी विक्रम और बेताल की, कहानी वेद पुराणों की, कहानी हितोपदेश उपनिषद और पंचतंत्र की, कहानी मुंशी प्रेमचंद की। जी हाँ, रेडियो उड़ान ले आया है एक नया शो जिसका नाम है कथालोक। ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर, जिसमें आप सुनेंगे ढेर सारी कथाएं, ढेर सारी कहानियां, मेरे यानी आरजे गीता सुमन के साथ, हर शुक्रवार शाम 7 से 8 और हर शनिवार दोपहर 2 से 3, सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान पर। कभी महक की तरह हम गुलों से उड़ते हैं, कभी धुएं की तरह पर्वतों से उड़ते हैं। ये कैंचियां हमें उड़ने से खाक रोकेंगी कि हम परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं। जी हां दोस्तों, आप भी जुड़ जाइए हमारे साथ अपने ख्वाबों की उड़ान लिए, अपनी कल्पनाओं की उड़ान लिए, अपनी ख्वाहिशात की उड़ान लिए। लॉग ऑन कीजिए www.radioudan.com और चलिए हमारे साथ एक कभी न खत्म होने वाले सफर पर, जिसका नाम है रेडियो उड़ान। सुमन और हाजिर हो चुकी हूँ ढेर सारी कहानियों के साथ। जी हाँ श्रोताओं, हर शुक्रवार मैं लेकर आती हूँ आपके लिए ढेर सारी कहानियाँ, मनोरंजक ज्ञान से भरपूर कहानियाँ। श्रोताओं, जैसा कि आप अगर लगातार हमारा शो सुन रहे हैं, कथालोक शो सुन रहे हैं, तो कुछ हफ्तों से हम अपने श्रोताओं की कहानियाँ भी इस शो में शामिल कर रहे हैं। तो इसी श्रृंखला के तहत आज भी हमने अपनी एक श्रोता की कहानी इसमें शामिल की है। ये हमारी श्रोता दिल्ली से हैं और इनका नाम है बिन्नी। आज हम बिन्नी की जुबानी सुनेंगे कुछ कहानियाँ, साथ ही साथ इस शो में होगा बहुत कुछ। कहीं मत जाइएगा, बने रहिए आप मेरे साथ अपने रेडियो स्टेशन, एकमात्र रेडियो स्टेशन, ऑनलाइन रेडियो स्टेशन रेडियो उड़ान पर। जी हाँ, ज्यादा इंतजार नहीं कराएंगे हम आपको बिल्कुल। आज का ये सिलसिला शुरू करते हैं और आइए सुनते हैं बिन्नी की जुबानी ये पहली कहानी। आज की हमारी कहानी है पहचान। एक गांव के सभी लोग शांति प्रिय और भगवत कथा के बड़े रसिक थे। उनके गांव में जो भी संत या महात्मा आते, वे उनका बड़ा सत्कार करते और उनसे कथा सुना करते थे। एक बार उस गांव में एक ऐसे महात्मा आए जिनके पास लोटा सोटा और लंगोटा के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। वह एक पेड़ के नीचे बैठकर भजन करने लगे। गांव वालों का यह स्वभाव था कि वह कथा का कोई भी मौका चूकते नहीं थे। महात्मा की सेवा करके सरपंच ने उनसे गांव में चलकर कथा सुनाने का आग्रह किया। इस पर महात्मा ने कहा कि वह अब केवल भजन ही करते हैं, कथा नहीं सुनाते। जब बहुत सारे लोगों ने सरपंच के साथ आग्रह किया तो उन्होंने कहा कि मैं कथा सुना दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। लोगों ने पूछा, क्या शर्त है? उन्होंने कहा कि कथा शुरू करने से पहले मैं एक प्रश्न पूछूंगा और यदि उस प्रश्न का उत्तर मुझे ठीक लगा तो मैं आगे कथा सुनाऊंगा, अन्यथा मैं छोड़ के चल दूंगा। सभी लोगों ने महात्मा की यह शर्त मंजूर कर ली। पंडाल सजा और सब कथा सुनने आए। महात्मा भी कथा सुनाने आए। कथा शुरू करने से पहले उन्होंने पूछा, क्या भगवान है? सबने एक स्वर में कहा कि हाँ भगवान है, क्यों नहीं है।
इतना सुनना था कि महात्मा अपना लोटा सोटा उठाकर चलते बने। किसी को कुछ भी समझ नहीं आया। पूछने पर महात्मा ने कहा कि जब भगवान है ही तो कथा किस बात की, प्रभु की उपस्थिति का अनुभव कराने के लिए ही तो कथा सुनाई जाती है। किसी तरह से मना कर महात्मा को दूसरी बार कथा के लिए लाया गया। कथा शुरू करने से पहले महात्मा ने अपना प्रश्न फिर दोहराया। इस बार सबने कहा कि भगवान नहीं है, भगवान जैसी कोई चीज नहीं होती। इतना सुनना था कि महात्मा तो फिर चलते बने। इस बार बहुत पूछने पर महात्मा ने कहा कि जब भगवान है ही नहीं तो फिर मैं कथा किसकी सुनाऊं। तीसरी बार मना मुना कर महात्मा को फिर राजी किया गया। महात्मा ने फिर अपना प्रश्न दोहराया, हाँ भाई भगवान है? इस बार आधो ने कहा है और आधो ने कहा नहीं है। इतना सुनने पर महात्मा ने कहा कि जो कहते हैं कि भगवान है वे उनको बता दें जो कहते हैं भगवान नहीं है। इतना कहकर महात्मा तो चलते बने। फिर तो सरपंच के नेतृत्व में सबों ने उनके चलन पकड़ लिए और पूछा कि हे महात्मन, आप हमें तंग क्यों करते हैं, कथा क्यों नहीं सुनाते, हम तो आप ही से कथा सुनेंगे। महात्मा ने उत्तर दिया कि वे तो सबकी परीक्षा ले रहे थे और फिर बताया कि जो व्यक्ति कहता है कि वह भगवान को नहीं जानता वह शायद जान रहा है, और जो कहता है कि वह भगवान को जान गया वह शायद नहीं जान पाया, क्योंकि भगवान तो अनुभूति के विषय हैं और अचिंत्य और अधोक्षज हैं। वह हमारे द्वारा अनुभव किए जाने पर भी जिह्वा की सीमित क्षमता के कारण उनका पूरा पूरा वर्णन नहीं किया जा सकता। जी हाँ दोस्तों, अब हम आगे बढ़ने से पहले छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं और आगे भी हम सुनेंगे बिन्नी जी की ही जुबानी और कहानियाँ। तो कहीं मत जाइएगा, बने रहिए आप मेरे साथ और सुनते रहिए शो कथालोक मेरे यानी गीता सुमन के साथ अपने रेडियो स्टेशन रेडियो उड़ान पर। जुस्तजू क्या है दिले
आवाज की दुनिया के प्यारे साथियों, क्या आप उन पर्सनैलिटीज से मुखातिब होना चाहते हैं, उन लोगों से रूबरू होना चाहते हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में कोई ना कोई मकाम हासिल किया है, कोई अचीवमेंट हासिल की है? अगर ऐसा है तो आप रेडियो उड़ान पर सुने प्रोग्राम एक मुलाकात मेरे यानी अमित भट्ट के साथ हर शुक्रवार रात 9 से 10 और शनिवार शाम 4 से 5 आपके अपने ऑनलाइन रेडियो स्टेशन रेडियो उड़ान पर एक मुलाकात। वेलकम बैक श्रोताओं, रेडियो उड़ान पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप शो सुन रहे हैं कथालोक। आज के शो में हमारे साथ विनी जी हैं, जिन्होंने अभी ब्रेक पर जाने से पहले हमें कहानी सुनाई पहचान। अब वो हमें और कहानियां भी सुनाएंगी, तो आइए विनी जी की जुबानी एक और कहानी सुनते हैं। विनी जी, क्या कहानी का नाम है? 2 रुपए। एक बहुत ही गरीब लकड़हारा था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक छोटा बेटा था। दिन भर में जितने रुपए कमते, शाम को उतने का ही खाना बन पाता और इस तरह उनकी गुजर बसर हुआ करती थी। एक दिन की बात है, वह लकड़ी लेकर दोपहर में ही आया और आकर बैठा ही था कि उसके 5 मित्र उसके घर आ गए। अब दावत का बंदोबस्त कैसे किया जाए, तो पत्नी ने सलाह दी कि 5 रुपए का उधारी कुछ ले आया जाए और बाद में दुकानदार को लौटा दिया जाएगा। पत्नी के सुझाव पर वह 5 रुपए का उधारी सामान लाया और उनकी खातिरदारी की। लकड़हारा दुकानदार से यह कह कर आया था कि वह शाम तक उसके पैसे लौटा देगा। मित्रों में बहुत समय तक हंसी मजाक और वार्तालाप चलता रहा, फिर वे चले गए। जैसे ही वे घर से 10-20 कदम आगे आए तो उन्हें याद आया कि वह बालक के लिए ना तो कुछ लाए और ना ही उसे पैसे दे पाए, तो इसलिए वह लौट कर आए। और बालक को जब देने लगे तो बालक ने लेने से इनकार कर दिया। जब उनके बहुत आग्रह करने पर भी बालक ने नहीं लिया तो माता ने कुछ डांटते हुए से कहा, क्यों नहीं लेता बेटा? इस पर उसने कहा कि कैसे ले लूं, तुम तो 5 की कहती थी, ये तो 2 ही देते हैं, दुकानदार का हिसाब कैसे चुकता होगा। इतना सुनना था कि माता की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने उसे गले लगा लिया। हाय बालक, कितना निर्मल अंतःकरण है तेरा। ना
ये दिस और खाइए चिप्स, चाहे हो ब्यूटी की, किचन की, होम डेकोरेशन की या हेल्थ की। एंजॉय माय दिस विद योर चिप्स एंड हैव क्रंची मंची स्माइल विद ग्लो ऑन द फेस। लिसन दिस विद चिप्स हर मंगलवार रात 8 से 9 बजे तक ऑन रेडियो उड़ान। Log on to www.radioudaan.com. अब हमें विनी जी कहानी सुनाने जा रही हैं साधु जी। विनी जी सुनाइए। एक साधु था, वह जगह है जगह है घूम घूम कर उपदेश दिया करता और जो कुछ मिलता उसी से अपना जीवन निर्वाह किया करता। एक गांव के एक सरपंच ने उससे बहुत प्रसन्न होकर उसके लिए अपने गांव के बाहर एक छोटी सी कुटिया बनवा दी। गांव के लोग आकर उनसे अपनी शंकाओं का समाधान करवा लिया करते और वह दिन भर भजन किया करते। एक बार सरपंच तीर्थ यात्रा पर गया, जाने से पहले उसने अपनी 20 अशर्फियों की पोटली साधु की कुटिया में एक गड्ढा खोदकर गाड़ दी और जाते जाते साधु से कहा कि बाबा मेरी अशर्फियों का ध्यान रखना। बाबा ने कहा, तुम्हारी अशर्फियों को तुम जानो भैया, जहाँ रखे जाते हो आकर वहीं से ले लेना। बहुत दिनों बाद जब सरपंच आया तो सबसे पहले वह बाबा के पास गया, उन्हें तीर्थ यात्रा का वृतांत सुनाया और अपनी अशर्फियों की पोटली लेकर घर चला गया। घर जाकर उसने उस पोटली को दीवार की एक खुंटी पर टांग दिया और गांव के कार्यों में व्यस्त हो गया। जब बैठक समाप्त हुई तो उसका ध्यान अपनी पोटली पर गया। उसने अशर्फियों की पोटली खोलकर देखी तो उसमें 2 अशर्फियां कम थी। उसने आव देखा न ताव, उसका सीधा शक साधु पर गया। उसने साधु से बहुत पूछताछ की तो साधु ने कहा कि भैया मुझे तुम्हारी अशर्फियों से क्या काम। पर सरपंच को विश्वास नहीं हुआ, उसने बाकी लोगों की सहायता से साधु को गधे पर बिठाया और उसका काला मुंह करके उसे सारे गांव में गधे की सवारी करवाई। जब गधा उनके घर के पास सरपंच के घर के पास पहुंचा तो पत्नी, उनकी जो पत्नी थी वो शोरगुल सुनकर बाहर आई और महात्मा का ऐसा अपमान होते हुए देखकर उन्हें बड़ा दुख हुआ और उन्होंने कारण पूछा। जब सब लोगों ने कारण बताया तो पत्नी ने कहा, अरे मूर्ख, तुम्हारी 2 अशर्फियां तो तुम्हारे मित्र को मैंने दी, उनको आवश्यकता थी और क्योंकि तुम व्यस्त थे इसलिए मुझे बताने का वक्त नहीं मिला। अरे कोई निर्णय लेने से पहले पूछ तो लेते। इस पर सरपंच को बहुत दुख हुआ और वह महात्मा के चरणों में गिर गया। महात्मा के वहीं पे पास में ही बालू का बहुत ढेर था तो महात्मा ने दोनों मुट्ठियों में बालू ली और एक मुट्ठी के बालू फेंकते हुए कहा, बेटा तुमने जिसका अपमान किया है वो तो मैं हूँ ही नहीं। दूसरी मुट्ठी की बालू फेंकते हुए कहा, मैं तो आत्मा हूँ,
और मान और अपमान तो शरीर और मन के विषय होते हैं, आत्मा का नहीं। सब लोग मन में बहुत पछतावा करते रहे और महात्मा से क्षमा मांगते रहे। जब मध्य रात्रि हुई तो महात्मा ने अपना कमंडलू उठाया और उस कुटिया को छोड़ दिया। जब सवेरे लोग आए उस कुटिया पर तो महात्मा को नहीं पाया। उनकी अनुपस्थिति उन्हें हमेशा खलती रही। आपको ये कहानियाँ कैसी लग रही हैं? आप हमें स्काइप के जरिए बता सकते हैं। हमारी स्काइप आईडी है रेडियो उड़ान RADIO UDAAN। इसके अलावा आप हमें हमारी वेबसाइट पर भी फीडबैक दे सकते हैं। हमारी वेबसाइट का पता है www.radiouran.com। खुश होता हूँ। आगे बढ़ने से पहले हम एक मेलोडियस ब्रेक लेते हैं, यानी कि तब तक आप सुनिए ये प्यारा सा गीत, और इस गीत के उस पार हम और कहानियाँ लेकर हाजिर होंगे। कहीं मत जाइएगा, बने रहिए आप हमारे साथ। मैं हूँ आपके साथ आरजे गीता सुमन और शो सुन रहे हैं कथालोक, अपने एकमात्र अपने ऑनलाइन रेडियो स्टेशन रेडियो उड़ान पर। किसी का तो हैरत की बात क्या, टूटा जो दिल किसी का तो हैरत की बात क्या। शीशे की उम्र प्याल की आखिर बिसात क्या, टूटा जो दिल किसी का तो हैरत की बात क्या। अरे टूटा जो दिल किसी का तो हैरत की बात क्या। अपने लिए जीते हैं हमको जहां से क्या, हम खून जिगर पीते हैं हमको जहां से क्या। हम अपने लिए जीते हैं हमको जहां से क्या, हम खून जिगर पीते हैं हमको जहां से क्या। एक रात की होती है शमा इसकी हयात क्या, शीशे की उम्र प्याल की आखिर बिसात क्या। टूटा जो दिल किसी का तो हैरत की बात क्या, टूटा जो दिल किसी का तो हैरत की बात क्या। में तोड़ दे वादे न बदले किसने यहाँ इरादे, हुस्न भी झूठा प्यार भी झूठा वफा भी झूठी यार भी झूठा, रही ये दुनिया किसकी होकर, मार दे दुनिया को तू ठोकर। खुद का नहीं है भरोसा कोई, दुनिया का साथ क्या, आखिर
जो दिल किसी का तो हैरत की बात क्या, अरे टूटा जो दिल किसी का तो हैरत की बात क्या। दिल किसी का तो हैरत की बात क्या। ये आवाज है हमारे मेंबर्स के द्वारा भेजे जाने वाले ईमेल कम्युनिकेशन की। ये आवाज है हमारे ग्रुप के द्वारा ऑर्गेनाइज की जाने वाली कन्वेंशन और वर्कशॉप में पार्टिसिपेट करने वाले लोगों की, और इन सब का नाम है से एवरीथिंग। से एवरीथिंग इज अ ग्रुप ऑफ इंटीग्रेशन। Say everything यानी एक आवाज, विचार और अभिव्यक्ति। Say everything means a group of free expression. Say everything is an international mailing list to learn and share, where the subscribers can discuss every topic of common interest via email exchange from around the world. For more information and to subscribe our mailing list, please log on to www.sayeverything.org. Say Everything, India's number one international mailing list. Come and join us today. आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, और रेडियो उड़ान पर शो चल रहा है कथालोक। आइए श्रोताओं, अब हम आपको कहानी सुनाते हैं वरदान, जिसे लिखा है मुंशी प्रेमचंद ने। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है वरदान। आइए सुनते हैं वरदान। विंध्याचल पर्वत मध्य रात्रि के निविड़ अंधकार में कालदेव की भांति खड़ा था। उस पर उगे हुए छोटे छोटे वृक्ष इस प्रकार दृष्टिगोचर होते थे मानो ये उसकी जटाएं हैं, और अष्टभुजा देवी का मंदिर जिसके कलश पर श्वेत पताकाएं वायु की मंद मंद तरंगों में लहरा रही थी उस देव का मस्तक है। मंदिर में एक झिलमिलाता हुआ दीपक था जिसे देखकर किसी धुंधले तारे का मान हो जाता था। अर्धरात्रि व्यतीत हो चुकी थी, चारों ओर भयावह सन्नाटा छाया हुआ था। गंगा जी की काली तरंगे पर्वत के नीचे सुखद प्रवाह से बह रही थी, उनके बहाव से एक मनोरंजक राग की ध्वनि निकल रही थी। ठौर ठौर नावों पर और किनारों के आसपास मल्लाहों के चूल्हों की आंच दिखाई देती थी। ऐसे समय में एक श्वेत वस्त्र धारिणी स्त्री अष्टभुजा देवी के सम्मुख हाथ बांधे हुए बैठी थी। उसका प्रौढ़ मुखमंडल पीला था और भावों से कुलीनता प्रकट होती थी।
उसने देर तक सिर झुकाए रहने के पश्चात कहा, माता आज 20 वर्षों से कोई मंगलवार ऐसा नहीं गया जबकि मैंने तुम्हारे चरणों पर सिर न झुकाया हो। एक दिन भी ऐसा नहीं गया जबकि मैंने तुम्हारे चरणों का ध्यान न किया हो। तुम जगत तारिणी महारानी हो, तुम्हारी इतनी सेवा करने पर भी मेरे मन की अभिलाषा पूरी ना हुई। मैं तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊँ? माता मैंने सैकड़ों व्रत रखे, देवताओं की उपासनाएं की, तीर्थ यात्राएं की, परंतु मनोरथ पूरा ना हुआ। तब तुम्हारी शरण आई, अब तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊँ? तुमने सदा अपने भक्तों की इच्छाएं पूरी की हैं, क्या मैं तुम्हारे दरबार से निराश हो जाऊँ? सुवामा इसी प्रकार देर तक विनती करती रही। अकस्मात उसके चित्त पर अचेत करने वाले अनुराग का आक्रमण हुआ। उसकी आंखें बंद हो गईं और कान में ध्वनि आई, सुवामा मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ, मांग क्या मांगती है? सुवामा रोमांचित हो गई, उसका हृदय धड़कने लगा। आज 20 वर्षों के पश्चात महारानी ने उसे दर्शन दिए। वो कांपती हुई बोली, जो कुछ मांगूंगी वो महारानी देंगी? हाँ मिलेगा, मैंने बड़ी तपस्या की है अतएव बड़ा भारी वरदान मांगूंगी। क्या लेगी? कुबेर का धन? नहीं। इंद्र का बल? नहीं। सरस्वती की विद्या? नहीं। फिर क्या लेगी? संसार का सबसे उत्तम पदार्थ। वो क्या है? सपूत बेटा। जो कुल का नाम रोशन करे? नहीं। जो माता पिता की सेवा करे? नहीं। जो विद्वान और बलवान हो? नहीं। फिर सपूत बेटा किसे कहते हैं? जो अपने देश का उपकार करे। तेरी बुद्धि धन्य है, जा तेरी इच्छा पूर्ण होगी। Thank you.
गजल में बंदिशो अल्फाज ही नहीं काफी, गजल में बंदिशो अल्फाज ही नहीं काफी, जिगर का खून भी कुछ चाहिए असर के लिए। हमसे पूछो कि गजल क्या है, गजल का फन क्या, चंद लफ्जों में कोई आग छुपा दी जाए। हाँ दोस्तों, गजल की इसी आग पर मबनी प्रोग्राम मैं आपके लिए लेकर हाजिर हो रहा हूँ, प्रोग्राम शाम गजल में, जो आप सुन सकते हैं हर फ्राइडे रात 10 से 11 रेडियो उड़ान पर। शाम गजल सुनना ना भूलिए, रेडियो उड़ान पर फ्राइडे रात 10 से 11 आरजे सैफ के साथ। सुनते रहिए और एंजॉय कीजिए रेडियो उड़ान। आए भुला दे भुला दे। वेलकम बैक श्रोताओं, रेडियो उड़ान पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आप शो सुन रहे हैं कथालोक। आइए श्रोताओं आगे बढ़ते हैं और अब हम आपको एक ऐसी कहानी सुना रहे हैं। ये कहानी सुना रहा है एक छोटा सा बच्चा। जी हाँ, इस बच्चे की उम्र करीब 3-4 वर्ष की है। तो आइए श्रोताओं, हम और आप मिलकर सुनते हैं ये प्यारी सी कहानी इस प्यारे से बच्चे की जुबानी। धन सावन, धन कृपाल, धन दर्शन, धन राजिंदल, मेरा नाम श्रुति कटारिया है। मैं आप सबको महाराज जी की कृपा से एक 9 साल के बच्चे की कहानी सुना रही हूँ, जो अपनी माँ का आज्ञाकारी था और बड़ों का कहना मानता था। उसके पिता नहीं थे, माँ बहुत गरीब थी। एक दिन माँ ने कहा, पढ़ना लिखना छोड़ दो और कुछ कमाना शुरू करो। बच्चे ने कहा, अभी तो मैं बहुत छोटा हूँ, कोई काम भी नहीं आता। माँ ने कहा कि हमारे घर कुछ छोले पड़े हैं, वो मैं तुमको बना कर दूंगी, तुम उसे गुरुद्वारे की संगत को बेच आना। अगले दिन बच्चा छोले लेकर गुरुद्वारे में गया, उसने 1 रुपया कमाया। बाबा जी उसको दूर से देख रहे थे, बुलाकर पूछा कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। बच्चे ने बताया कि मैं यहाँ पर छोले बेच रहा हूँ। बाबा जी ने कहा, कितने कमाई हुई? बच्चे ने बताया 1 रुपया। बाबा जी ने कहा कि तुमने मेरी संगत को छोले बेचे हैं, वो कमाई तो गुरुद्वारे की हुई। तो बच्चे ने बाबा जी को 1 रुपया दे दिया और खाली हाथ घर आ गया। अपनी माँ को सारी बात बताई। माँ ने गले गाकर कहा कि तूने अच्छा काम किया, कल मैं तुझे और छोले बना कर दूंगी। अगले दिन बच्चा छोले लेकर गुरुद्वारे में गया, उसने 50 पैसे कमाए। तो बच्चे ने बाबा जी को 50 पैसे दे दिए और खाली हाथ घर आ गया। उस दिन उसकी माँ ने उसने कुछ भी नहीं खाया और खाली पेट पानी पीकर ही सो गए। अगले दिन बच्चा छोले लेकर गुरुद्वारे में गया, उसने 25 पैसे कमाए। बाबा जी ने कमाई पूछी, बच्चे ने बताया 25 पैसे। बाबा जी ने कहा, लोगों की कमाई तो बढ़ती है, तेरी कमाई क्यों घटती है? बच्चे ने भोलेपन से कहा, बाबा जी आपको पता है हम बहुत गरीब हैं, हमारे घर खाने के लिए कुछ भी नहीं है। जो मैं कमाता हूँ वो सारे पैसे आप ले लेते हो। बाबा जी ने कहा, तूने अपनी नेक कमाई अच्छे काम के लिए सेवा में लगाई है, आज से तेरी नेक कमाई बढ़ती ही जाएगी और सारी दुनिया तुझे बाबा शाह जी के नाम पालेगी। वह बच्चा बड़ा होकर बाबा शाह जी के नाम से मशहूर हुआ। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, अगर हम अपनी नेक कमाई का कुछ हिस्सा सेवा में लगाते हैं तो परमात्मा उसका कई गुना फल देते हैं। धन की। जी हाँ दोस्तों, शो समाप्त करने की इजाजत चाहेंगे। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे हम आपसे ढेर सारी कहानियों के साथ, इसी दिन इसी समय पर।
आपको ये शो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। फीडबैक देने के लिए आप हमें स्काइप आईडी पर भी फीडबैक दे सकते हैं। स्काइप आईडी है रेडियो उड़ान RADIO UDAAN। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट का पता है www.radiouran.com। आप हमें ईमेल के जरिए भी हम तक अपने विचार पहुंचा सकते हैं। ईमेल आईडी है geeta@radiouran.com। मिलती हूँ मैं आपसे अगले हफ्ते, तब तक के लिए नमस्कार। चलाओ मेरी शादी करवाओ, मेरी शादी करवाओ, मेरी शादी करवाओ, मेरी शादी करवाओ। लाल चुनरिया वाली कोई घर मेरे बिलाओ, मैं कुंवारा कब तक बैठूं बैंड मेरा बजवाओ। अरे जैसे भी चलता है चक्कर चलाओ मेरी शादी करवाओ, मेरी शादी करवाओ, मेरी शादी करवाओ, मेरी शादी करवाओ। चलाओ शादी करवाओ मेरी शादी करवाओ, मेरी शादी करवाओ, मेरी शादी करवाओ ना। फूलों की डाली तेरी हर एक अदा निराली, रूप तेरा है सबसे आला जी। किस दिन तेरे घर आऊंगी, तुझ पे वारी में जाऊंगी, खुल जाएगा किस्मत का ताला जी। अरे अरे जल्दी से ताले की चाबी घुमाओ, मेरी शादी करवाओ, मेरी शादी करवाओ, मेरी शादी करवाओ, मेरी शादी करवाओ। जल्दी से पंडित बुलवाओ, पटड़ी पे गाड़ी आ जाए जी। दिल के सबर मान निकालो, मांग मेरी जल्दी भर डालो, अब तो मुझसे रहा न जाए जी। अरे अरे सुना है घर मेरा आके बसाओ, मेरी शादी करवाओ, मेरी शादी करवाओ, मेरी शादी करवाओ, मेरी शादी करवाओ। लाल चुनरिया वाली कोई घर मेरे भी लाओ, मैं कुंवारा कब तक बैठूं बैंड मेरा बजवाओ। अरे जैसे भी चलता है चक्कर
शादी करवाओ मेरी शादी करवाओ शादी शादी करवाओ मेरी शादी करवाओ।